सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर गुप्ता ने भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर वसई तहसीलदार कार्यालय के बाहर शुरू किया उपोषण। वसई तहसीलदार कार्यालय के बाहर इन दिनों सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर लाल गुप्ता अपनी कुछ मांगों को लेकर उपोषण पर बैठे हैं। आपको बता दें, मनोहर लाल गुप्ता का आरोप है कि तहसीलदार वसई के मातहत मंडल अधिकारी शशिकांत पड़ोले द्वारा नियमों को ताक में रखकर पोमण गांव में कृषि भूमि को अकाशी करने आपत्ति होने के बावजूद फेरफार किया गया। मनोहर गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने विचार कैमरे के सामने रखे, जो आप आगे देखेंगे। आपको बता दें, मनोहर गुप्ता ने अपने आरोप अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय को लिखे पत्र में वसई तहसीलदार कार्यालय के नीचे के विभागों में बगैर जिलाधिकारी की अनुमति के बिना नियुक्ति वाले प्राइवेट कैंडिडेट को कार्यस्थल पर रखे जाने का जिक्र भी किया है। इसी मुद्दे पर अप्रैल महीने में सेफ न्यूज़ लाइव के साथ ही कुछ और मीडिया चैनलों ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। वहीं बड़े समाचार पत्रों ने भी खबर प्रकाशित की थी। उसके बावजूद प्रशासन अब तक गहरी नींद में सोया हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े ही दुख की बात है कि भ्रष्टाचार से सरोबार वसई तहसीलदार कार्यालय के भ्रष्टाचार को उजागर करने के दौरान पिछले जुलाई महीने में तहसीलदार कार्यालय ने साजिश रचते हुए पत्रकार यूसुफ अली के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डाले जाने का मामला दर्ज करवाया था। अब फिर उसी तरह की बात सामने आने के बाद तहसील प्रशासन गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। गुप्ता जी, आप आंदोलन पे बैठे, क्या विषय है? मैंने एक सरकार के फायदे के लिए जिला अधिकारी को कानून की मालूमत नहीं है। महाराष्ट्र के जिले इतने हैं क्या? महावसई तालुका पालघर जिले में जो जिला अधिकारी है उनको कानून की मालूमत नहीं है। इन्होंने तीन तीन चार चार लाख रुपए लेके पोमन गांव का एमए किया गया है और वहां पे बांधकाम होने के बाद हमने हरकत ली गई। हरकत लेने के बाद भी मंडल अधिकारी लाखों रुपए लेके फेरफार मंजूर करता है। मेरे पास सब पुरावे हैं। आपकी मांग क्या है? जिसकी जांच होनी चाहिए, मंडल अधिकारी दोषी है उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद में जो एमए किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। वसई तालुके में सरकारी जगह पे जो अतिक्रमण किया गया है वो निकाल के सरकारी कार्यालय, पासपोर्ट ऑफिस ऐसे सुविधा उधर बनाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, पर लेकिन सरकार नहीं चाहती है और महानगर पालिका खुद नहीं चाहती है कि वहाँ का अतिक्रमण हटे। पासपोर्ट ऑफिस की जब आप बात कर रहे हैं, उसके लिए लोकसभा में एक खबर छपा था, क्या कहेंगे उसके बारे? तो अकेले छपा है वो, उन्होंने जो छपा गलत नहीं छपा है। जगह होने के बावजूद वो मुआवजा देके जब रह सकती है तो ऐसे सरकार का डुबके मरना अच्छा है चूल्हे भर में पानी में। इसके आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं हमें अभी देखूंगा, एक आठ दिन नहीं तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।